नमस्कार दोस्तों दोस्तों आर्ट कैम के इस ट्यूटोरियल में हम ड्रिलिंग टूल पाथ सीखेंगे कि हम अपने किसी भी वर्क पीस पर ड्रिल कैसे करें, उसमें होल नंबर ऑफ होल कैसे करें। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने आर्ट कैम ओपन कर लेना है, फिर न्यू मॉडल में जाके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना वर्क पीस है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मेरा वर्क पीस 500 बाय 500 का है, तो मैं आप 500 बाय 500 का पीस वर्क पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिट में एमएम रखूँगा, एमएम में काम करना चाहूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, टू डी व्यू में जाएंगे। अब हम यहाँ पे ड्रिल ले लेंगे, एक होल ले लेते हैं। होल के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हमें कितने का होल चाहिए। मैंने कहा मुझे 20 mm का होल चाहिए, तो मैं यहाँ 20 क्रिएट कैंसिल। यहाँ पे होल आ चुका है, F9 की सहायता से हम इसे सेंटर में ले आएंगे। अब हम इस होल की मल्टीपल कॉपी कर लेंगे। मल्टीपल कॉपी करने के लिए हम कॉपी करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कितनी कॉपी चाहिए, एक्सपोजिशन में मैंने कहा मुझे चाहिए 10 10। ठीक है, और अब हम यहाँ देखिए एक्स में मतलब एक होल से दूसरे होल के बीच का गैप कितना होना चाहिए, मैंने कहा 20 mm होना चाहिए। वाई में भी इसी तरह 20 mm। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल होल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने 10 कॉलम में डाला है, ये देखिए ये वाला कॉलम है और रो ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो जैसे मैंने डाला है 10, तो यहाँ देखना 10 है, 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह रो में भी 10 कॉलम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक होल से दूसरे होल के बीच में जो गैप है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा गैप कहना चाह रहा हूँ, यानी कि इस होल से इस होल के बीच की जो दूरी है ये 20 mm है, और एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है, अगर हमें देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब हम यहाँ पर मेजर टूल में जाएंगे, एक होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस है हम ये पढ़ के, ये देखिए दोस्तों 20 mm है। ठीक है, अब इसी तरह हम वाई में भी चेक कर लेंगे, ये देखिए 220 mm है। तो यही है एक होल से दूसरे होल के बीच का डिस्टेंस, हम इसे भी कट करते हैं। ठीक है, अब हम इसे F9 की सहायता से सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, सेंटर में आ गया, क्योंकि ये सारा सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे टूल पाथ देखेंगे। टूल पाथ के लिए हम यहाँ टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ पर एक ड्रिल का, देखो ड्रिल का टूल पाथ है, ये देखिए ड्रिल का है, क्रिएट ड्रिलिंग टूल पाथ, इस पर हम ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट वेक्टर रखेंगे, यानी कि जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है उस पर ही हम अपना ऑपरेशन करना चाहते हैं। हमने ये होल को सेलेक्ट किया है, तो ये हम सेलेक्ट वेक्टर रखते हैं। फिनिशिंग डेप्थ, फिनिशिंग डेप्थ में का मतलब होता है कि आप कितना फाइनल डेप्थ कितना लेना चाहोगे। जैसे मेरा मटेरियल है 20 mm की थिकनेस का, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना ये होल है जो आर पार करना चाहता हूँ थ्रू आउट, तो इसलिए मैं यहाँ पर 20 mm इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, प्लंज रेंज कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर टूल की सिलेक्शन कर लेनी है, टूल कौन से लोगे। जैसे कि हमारा टूल डाया यहाँ पर 20 है, तो हम 20 का ही लेते हैं। अब यहाँ पर एंड मिल लेंगे हम यहाँ पर,
अब यहाँ पर हम मुझे 20 का कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो हम टूल पाथ बना लेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉपी करते हैं इसे, तो एक कॉपी यहाँ पर दोबारा बन जाएगी। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर हम MM डाल देंगे और टूल डायमीटर में भी हम यहाँ पर 20 mm डाल देंगे, 20.0, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक 20 mm का टूल हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। अब क्योंकि हमारा टूल सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप डाउन, स्टेप डाउन आप मतलब एक बार में कितना कट लेना चाहोगे। जैसे कि 20 mm में मैं चाहता हूँ कि मैं 5-5 mm करके इसे 4 बार में कट लूँ, ठीक है। हम नीचे जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पर 20 mm पूरा भी डाल सकते हो दोस्तों, बट कई केसेस में ये होता है कि हमारा टूल का डाया छोटा है और होल की डेप्थ ज़्यादा है, तो वहाँ पर टूल के टूटने का चांस ज़्यादा बना रहता है। तो उस टूल के टूटने को बचाने के लिए हम यहाँ पर डेप्थ थोड़ा कम रख देंगे और यहाँ पर उसका यूज पैक ड्रिलिंग में कर देंगे। हम यहाँ पर जैसे ही पैक ड्रिलिंग करते हैं तो ये रिट्रैक्शन अमाउंट बोल रहा है। ये रिट्रैक्शन का मतलब होता है मतलब कितने mm उठ के चलना। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर 5 mm स्टेप डाउन डाल दिया, यानी कि अब क्या करेगा टूल मेरा, पहले 5 mm जाएगा अंदर कटिंग करेगा, फिर रिट्रैक्शन अमाउंट 2 mm, 5 mm कटिंग करके मेरा जो टूल है वर्क पीस से Z0 से 2 mm ऊपर उठ जाएगा, यानी कि 5 mm कट करेगा फिर ऊपर उठ जाएगा। यानी कि जितना वो चिप्स 5 mm तक काटेगा वो चिप्स को ऊपर बाहर निकाल देगा, क्योंकि जब 2 mm ऊपर उठेगा तो ऐटोमेटिक ही चिप्स भी बाहर उसके गिर जाएंगे, तो इसलिए चिप्स के फंसने का चांस बहुत कम रहेगा और टूल के टूटने का भी खतरा कम बना रहेगा। तो रिट्रैक्शन अमाउंट इसे ही बोलते हैं, पैक ड्रिलिंग बोलते हैं इसे, यानी कि 5 mm जाएगा फिर 2 mm ऊपर उठेगा, फिर 5 mm जाएगा फिर 2 mm ऊपर उठेगा, फिर 5 mm जाएगा फिर 2 mm ऊपर उठेगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए इसका मतलब। अब हम नीचे आते हैं, ऑटो में ही से रहने देना सीक्वेंस को, और यहाँ पर मटेरियल की जो थिकनेस है वो हम डाल देते हैं 20 mm, क्योंकि मेरा 20 mm का मटेरियल है थिकनेस में, तो मैं यहाँ 20 mm डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब इसे कैलकुलेट नाउ कर देंगे। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा ड्रिल का टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसे सिमुलेशन करके देखना है। हम 3D व्यू में जाते हैं और इसे आइसोमेट्रिक व्यू में करते हैं, वो थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब हम सिमुलेशन में जाएंगे, यहाँ फास्ट पे रखेंगे, सिमुलेट। अब हम यहाँ पर ओके कर देंगे, तो हमारा ड्रिल का टूल पाथ सिमुलेशन हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं ताकि हमें ड्रिल के होल नज़र आए। हम यहाँ पर गोल्डन कर लेते हैं अप्लाई, ठीक है दोस्तों।
ये देखिए, तो इस तरह से आप ड्रिलिंग टूल पाथ का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी फाइल को सेव करना है, यानी कि जो टूल पाथ जनरेट हुआ है उस फाइल को सेव कैसे करें। हमने सेव टूल पाथ में जाना है, ओके करना है, यहाँ पर ड्रिलिंग का टूल पाथ आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चाहे तो नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पर ड्रिल का नेम दे दिया है और इसे सेव कर दिया है, सेव डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप पे कर दिया है सेव, ये सेव हो चुका है। अब मैं इसे कट करता हूँ, अब देखता हूँ क्या डेस्कटॉप पे सेव हुआ है। ये देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब मैं इसे ओके करता हूँ और ये दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा टूल पाथ यानी कि एक्स वाई जी कोड जो होते हैं वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टूल पाथ चला कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये टूल नंबर वन हो M6, यानी कि टूल नंबर वन है वो M6। M6 का मतलब होता है टूल चेंज की कमांड। ठीक है, तो ये M6 करता है टूल को चलाने के लिए। ठीक है, अब मेरा GO Z25, इसका मतलब ये हुआ कि टूल हमारा हमारे वर्क पीस से 25 mm ऊपर आके खड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो G0 X0 Y0 S15000 M3, यानी कि गो यानी कि जहाँ पे हमने X0 Y0 लिया है वहाँ पर टूल हमारा चला गया। देखो GO X0 Y0। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखे रहे स्पिंडल स्पीड, ये एस का मतलब होता है स्पिंडल स्पीड, यानी कि स्पिंडल स्पीड हमारी हमने 15000 ली थी वहाँ पर, तो 15000 है। और M3 का दोस्तों मतलब होता है क्लॉक वाइज, यानी कि आपके टूल को क्लॉक वाइज रोटेट करना। तो ये M03 आपके स्पिंडल को क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। अब देखिए G0X70Y70Z0 यहाँ पर टूल जाएगा। फिर देखो आपके वर्क पीस से 2 mm ऊपर उठ के रुकेगा, फिर 5 mm की डीप में जाएगा। फिर देखिए दोस्तों Z2, फिर यानी कि 2 mm आपका टूल ऊपर उठा। ठीक है, फिर Z3, फिर Z-10 यानी कि फिर 10 mm काटा। फिर देखिए Z2, फिर 2 mm उठा, फिर 8 mm गया नीचे। फिर देखिए Z15 mm गया नीचे, फिर यहाँ देखिए 2 mm उठा, यानी कि यहाँ पर आपका रिट्रैक्शन अमाउंट लग चुका है, जिसे हम पैक ड्रिलिंग बोलते हैं। इस पैक ड्रिलिंग का यूज करके आपका ड्रिल है बिल्कुल सेफ रहता है, टूटने का चांस बहुत ही कम बना रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जब भी आप ड्रिल करें तो पैक ड्रिल का ही यूज करें। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पैक ड्रिलिंग कौन सा होता है। ये टूल पाथ, ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन है यूज पैक ड्रिलिंग। आप यहाँ जितना भी अमाउंट डालोगे, अगर मैं यहाँ 5 डालता हूँ तो क्या होगा कि हमारा टूल जितनी डेप्थ में काटेगा, और अगर मैं यहाँ 5 mm डालता हूँ तो टूल भी हमारा 5 mm लिफ्ट करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ उठेगा, फिर दोबारा एंट्री लेगा, फिर 5 mm ऊपर उठेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ड्रिलिंग का टूल पाथ समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा ये ट्यूटोरियल, ये ड्रिलिंग टूल पाथ आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। धन्यवाद।